वेलकम टू माय चैनल। लेकिन दिन है और काफ़ी टाइम से मैंने राजकुंडा जाने का प्लान बनाया था और फाइनली आज वो दिन आ चुका है। सुबह करीब 7 बजे मैंने अपनी राइड स्टार्ट की। पहाड़ों में थोड़ा ऊपर जाते ही ये खूबसूरत भी है। साइड दे दो, साइड हटो। फिर हमें बजरंग बली जी मिल चुके हैं। तो मंदिर में माथा टेकने और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने खूब बड़ा भीड़ बिल्डिंग की ओर ये देखिए बर्फ से लदे पहाड़, अद्भुत दृश्य। वो रहे पैराग्लाइडर, एक वहाँ है, एक वहाँ है रहा, और भी काफ़ी हैं। ऊपर जाके शायद काफ़ी मिलेंगे। और हम पहुँच चुके हैं भीड़ बिल्डिंग में, भीड़ नीचे हैं, बिल्डिंग में पहुँच चुके हैं। और ये देखिए यहाँ के नज़ारे। करीब 10 बजे में भीड़ भी नहीं पहुंचा और यहाँ पे ऑलरेडी कुछ लोग पैराग्लाइडिंग कर रहे थे। अभी देखते हैं कोई हमारे सामने टेक ऑफ कर रहा होगा तो उसको शूट करते हैं। अब देखिए नज़ारे पहाड़ों के। अब नीचे बैजनाथ भीड़। यहाँ बैठते हैं और नज़ारे लेते हैं पैराग्लाइडिंग करने वालों की। बहुत ही अच्छा टेक ऑफ। देखिए इनका यहाँ का डेली का है, फालतू होगी एक ऊपर भी।
थोड़ा बहुत टाइम और यहाँ से बिता के फिर तो थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद मैंने आगे चलने का फैसला किया, क्योंकि आगे रोड खराब है तो मुझे पता नहीं कितना टाइम लगेगा। यहाँ पैराग्लाइडिंग देख ली। अब आगे बढ़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। ये बिलिंग है और ये जो आगे रास्ता जा रहा है ये राजगुंदा के लिए जा रहा है, तो आगे मोस्टली रास्ता कच्चा है, काम चल रहा है। देखेंगे जहाँ तक जा सकते हैं, अगर पूरा खुला हुआ तो राजगुंदा तक जाऊँगा, बरोड तो नहीं, क्योंकि आगे वो रास्ता बरोड भी कनेक्ट करता है, और राजगुंदा जाके वहीं से वापस आ जाऊँगा। ये रहा नीचे बीलिंग, यहाँ पे पैराग्लाइडिंग होती है, और ये हम आ चुके हैं। तो ये रोड बन चुका है, ये रोड आगे तक जाता है राजगुंदा तक, और वो देखिए आपको स्नो केप्ड माउंटेन्स। यहाँ तक तो रोड पक्का है, आगे देखते हैं कहाँ तक पक्का है कहाँ तक कच्चा है, जाना तो है ही, ऑफ रोड भी करेंगे। तो अभी मैं राजगुंदा के रास्ते पर हूँ, थोड़ा सा रास्ता पक्का था पर उसके आगे सारा रास्ता कच्चा है, और बड़े बड़े ये पहाड़ तोड़ के बनाया गया है, बनाया जा रहा है, काम चल ही रहा है यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये पूरे पहाड़ तोड़ के बनाया जा रहा है। ये देखिए यहाँ तो नीचे खड़े होने में भी डर लग रहा है, कहीं पत्थर न गिरे ऊपर से, और ये पूरा काट काट के उधर से उधर घूम घूम के उधर ले जाया गया है। आगे का सारा रास्ता कच्चा था बट 30-40 मिनट में दूसरी तरफ पहुंच गया, और आप सामने देख सकते हैं राजगुंदा वैली का नज़ारा। ये जो रोड सामने दिख रहा है ये राइट की तरफ बरोट वैली से कनेक्ट करता है, और ऊपर ये बंगाल को, इसी वैली से आगे अगर आप चले जाएंगे बड़ा बंगाल को, और अगर इस तरफ आप जाएंगे तो ये बरोट की तरफ जाएगा। ये ओल रिवर है आई थिंक, मेरा अनुमान है, ये नीचे बह रही है, काफी काफी पानी है, पूरा बर्फ से पिघल के आ रहा है। देखिए थोड़ा आगे आ गए हैं, और यहाँ पे देखिए जोस्टल, तो कोई अगर नाइट स्टे करना चाहता है तो यहाँ जोस्टल में वो बुक कर सकता है। आई थिंक ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है इनकी, तो स्टेज की कमी नहीं है। एक आगे और दिख रहा है, वो देखते हैं कौन सा है। ये देखिए छोटा सा वाटर स्ट्रीम, ऊपर पहाड़ों से आ रहा है पानी, और ये छोटी सी वाटर क्रॉसिंग बना दी है इसने यहाँ पे। यहाँ का पुराना ब्रिज है, ये नया ब्रिज बन गया है, तो यहाँ पे लोग जिंदगी का आनंद लेते हैं। तो इन पहाड़ों के जितना आगे जा रहे हैं उतना ये दूर चलते जा रहे हैं, और ये जो आगे रास्ता जा रहा है ये बड़ा बंगाल जाता है। अगर आप ओल नदी के पकड़ के आप चलते रहेंगे तो आप बड़ा बंगाल पहुँच जाएंगे, और नीचे अगर आप इस तरफ चले गए जाएंगे तो आप ब्रॉड से होते होते मंडी पहुंच जाएंगे। वो उधर से आया हूँ, यहाँ पे बहुत सारी कनेक्टिविटी आ रही है, पानी बहुत तेज है, बीच में जाके कोई नहीं नहा रहा, सब साइड में बाल्टी जग वगैरह लेके नहा रहे हैं। अच्छी बात है, बीच में जाना भी नहीं चाहिए, रिवर ऊपर पहाड़ों पे बारिश हो जाए तो कभी भी रिवर फ्लो बढ़ जाता है। नज़दीक से दिखाते हैं, ये देखिए कितना बिल्कुल साफ पानी और कितना तेज
ऐसे लग रहा है फ्रिज से निकाल रहा है पानी, पूरा ग्लेशियर वाला पानी है, बिल्कुल ठंडा। ये नहा नहा भी रहे हैं ऐसे, बर्तन धो रहे हैं, नहा कोई भी नहीं रहा। एक तो वैसे ही ठंडी हवा चल रही है, बंदे कैसे नहाएंगे। देखिए थोड़ी देर में पूरे पहाड़ काले बादलों से छा गए हैं। मैं भी जल्दी जल्दी निकल लेता हूँ, कोई भरोसा नहीं बारिश लग जाए। तो मैं सिर्फ टी शर्ट में आया हूँ, अगर बारिश लग गई तो यहाँ पे मौसम ठंडा हो जाएगा, और मैं जैकेट भी नहीं लेके आया हूँ। रास्ता भी ब्लॉक है, जैसे भी थोड़ा ये मलबा इन्होंने जो खुदाई की है इसको भर रहे हैं टिप्पर में, तो ये टिप्पर भरेगा तभी हम रास्ता देंगे। तो आप लोग भी सो प्लीज सर आई